हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? सब बढ़िया। तो मैं आ चुका हूँ आज फिर से आपके लिए लेके लास्ट डे रूल सर्वाइवल का पहला पार्ट। तो गाइस यार, बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मज़ा बहुत ही आने वाला है, क्या ही बताएं यार, ठीक है ना। तो गाइस यार, छोटा सा बेस बनाया था ये अपने फ्रेंड ने और उसने थोड़ा बहुत लूट करके रखा है। तो गाइस यार, अभी मैं भी जा रहा हूँ रूम करने के लिए, फिर उसके बाद बेस बनाएंगे। काफ़ी तकड़ा और काफ़ी प्यारा बेस होने वाला है, क्या ही बताएं यार। तो गाइस, पहले हम रूम करने जाते हैं, देखते हैं कि हमें रूम से क्या कुछ मिलता है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। तो हम पहुँच गए हैं, यहाँ पे ब्लू रूम है, तो जल्दी से पहले ब्लू रूम करते हैं और फिर देखते हैं इसके बाद हमें और कौन सा रूम मिलेगा यहाँ से। तो देखते हैं यार, वाह भाई क्या बात है। ओके, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, क्योंकि ये सर्वर जो है ना काफ़ी हार्ड सर्वर है और यहाँ पे जो खेल रहे हैं ना प्लेयर, काफ़ी भयंकर तरीके से मार रहे हैं यार, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है इस गेम में और काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है यार। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। और गाइस, पूरे का पूरा रूम फुल पड़ा है, तो देखते हैं, हमें पर्पल कार्ड मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है। पर पर्पल कार्ड से अभी ये पहला दिन है, तो पर्पल कार्ड से अभी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि AR गन तो नहीं मिलेगी, तीन दिन के बाद आती है, ठीक है ना। ओके, तो गाइस ये रूम हो चुका है खाली, मिला तो कुछ भी नहीं। चलो यहाँ पे और देखते हैं, और दूसरा और भी रूम होगा। ओके, तो ग्रीन रूम है यहाँ पे, तो जल्दी से चलते हैं, ग्रीन रूम भी कर लेते हैं यार, छोड़ना क्यों है, बहुत हार्ड। तो जल्दी से ग्रीन रूम भी कर लेते हैं यहाँ से। ओके, तो ये भी फुल पड़ा है भाई, क्या बताएं, बहुत सही। पर्पल ट्यूब चाहिए, क्योंकि हमें भाई, देखते हैं इस सर्वर में हम कौन सा हॉर्स तैयार करते हैं, देखते हैं ज़रा, ठीक है ना। तो उड़ने वाला घोड़ा बनाएंगे, नहीं तो कुछ और बनाएंगे, चलो देखते हैं, वो बाद में सोचा जाएगा। तो पहले गाइस रूम हो चुके हैं पूरे के पूरे, और गाइस अभी मैं पहले कार्ड, मेरे पास बिल्कुल थोड़ा भाई ख़त्म हो चुके हैं कार्ड, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से चलता हूँ बेस में और बेस से भाई दूसरा कार्ड लेके आता हूँ यार। तो गाइस मैं कार्ड लेके आ चुका हूँ, तो ये वाला रूम भी करूंगा यार, छोड़ूंगा नहीं, बहुत सही, गजब। ब्लू रूम, ब्लू कार्ड यहां से नहीं मिला यार, कोई बात नहीं, तो मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो गाइस जल्दी से चलते हैं बेस में और गाइस करते हैं तैयारी अपने बेस बनाने की यार, क्योंकि बेस बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही अभी हम थोड़ी बहुत लूट इकट्ठा कर रहे थे, तो लूट इकट्ठा काफ़ी हो चुकी है अब। तो गाइस अभी क्या सोच रहे हैं ना, तो जल्दी से रूम बना ही लेते हैं यार। तो अपना फ्रेंड तो यार ये बोल रहा था डॉग पे जाने के लिए, और गाइस ये इधर सोया पड़ा है यार, क्या बताएं अब। ओके, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा। तो अभी जो भी लूट है ना, मैं सारी की, वो बंदा है सामने, चलो पहले इसको देख लेता हूँ, ये कौन सा बंदा है। हेलो ब्रो, क्यों खड़ा है यार, ये ऑफलाइन हो क्यों, अरे भाग रहा है, भागने तो दूंगा ही नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पड़ी खत्म यार, बहुत सही, गजब यार। तो ओ भाई, फार्मस मिल चुकी है यार, रूम करने से हमें नहीं मिली, पर इस बंदे ने हमें दे दी, वाह भाई क्या बात है, वेरी वेरी थैंक यू। हाँ भाई, यही बोलना था ना, थैंक यू सो मच ब्रो, ठीक है। ओके, तो इसका साइकिल भी मिल चुका है, तो मज़े आ गए यार। तो अभी अपना फ्रेंड भी आ चुके हैं ऑनलाइन, तो गाइस अभी वो बोल रहा है डॉग पे चलते हैं, साथ में मास्क मिल जाएगा और साथ में वहाँ पे रूम है, फिर उसके बाद बेस बनाते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं डॉग पे और देखते हैं यहाँ से हमें मिलता है कुछ कि नहीं मिलता है, बहुत सही, गजब। चलो यार जल्दी से चलते हैं, यहाँ पे गार्ड खड़े रहते हैं, आ जाओ ब्रो। अरे यार ये तो अंदर पहुँच गया यार, मैं तो अपने दूसरे फ्रेंड को देख रहा था, वो ऑफलाइन ही रहता है ज़्यादातर, आता नहीं है यार, पता नहीं कब आएगा वो, जब हम ऑफलाइन होंगे फिर वो आएगा, अच्छी बात है। यहाँ पे मास्क होता है, पर मास्क यहाँ पे नहीं है, और अपना फ्रेंड बोल रहा है रूम भी यार खाली पड़े हैं, मतलब कि कोई अभी अभी करके लेके चला गया यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे दूसरा ग्रीन रूम है, तो वो भी चेक कर लेते हैं ज़रा, आ जाओ ब्रो इस साइड से आ जाओ। ओके, ये भी रूम कर चुका है, पर बोल रहा है थोड़े से बॉक्स पड़े हैं,
तो मैंने बोला कर लो यार, छोड़ना नहीं है, क्योंकि पर्पल ट्यूब हमें बहुत सारी चाहिए, और अपना फ्रेंड भी बोल रहा है कि मैं भी घोड़ा बनाऊंगा तो उड़ने वाला, तो गाइस उसके लिए तो भाई बहुत सारे एवोल्यूशन चाहिए होंगे यार, तो इसीलिए गाइस रूम करना ज़रूरी है। तो गाइस अभी ये हो चुका है सारे का सारा। अरे अपने फ्रेंड को मारेगा यार, अरे यार कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड को तो हम बचा ही लेंगे। तो अभी हम चलते हैं जिद्दत सीधा अपने बेस में, और गाइस यार जल्दी से हम अपनी अभी तैयारी करते हैं बेस बनाने की, तो जल्दी से पहुंच जाते हैं यार बेस में। और गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं बेस बनाने की तैयारी में, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे अपने अपना जो फ्रेंड है ना उसके पास ब्लू प्रिंट पड़ा हुआ है, जो हमने पिछले सर्वर में बनाया था ब्लू प्रिंट वो बेस है, पर मतलब कि नीचे से वही, अंदर से वही होगा, पर ऊपर से डिज़ाइन कुछ और टाइप से बनाएंगे यार। तो क्योंकि वो पहले वाला डिज़ाइन अभी नहीं बनाएंगे, अभी दूसरे वाला डिज़ाइन बनाएगा। अगर जिसको ये वाला बेस अच्छा लगा होगा ना तो मुझे बता देना, मैं पूरा डिटेल में कैसे कैसे ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। पर भाई इस सर्वर में तो गाइस यार आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यार ये तो अभी ब्लू प्रिंट लग चुका है ना नीचे भाई बेसल में, तो बेसल ये जो नीचे बेस जो हमने नीचे बनाया है वो कैसे कैसे बनाए ना, वो भाई बहुत मुश्किल है यार इसको बनाना, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी पहले हम क्या करते हैं ना, जल्दी से इसकी तैयारी कर लेते हैं, जो भी बनाना है ना उसको फटाक से बना लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने वाले बाकी हैं यार। अपनी लूट लेके भी इस साइड इस बेस में आना है वहाँ से, तो काफ़ी मेहनत लगने वाली है, ठीक है ना। तो जल्दी से गाइस डबल डबल वॉल करना पड़ेगा बहुत सारा, तो कर देते हैं। और अभी यहाँ से रूफी लगाना ऊपर, ऊपर जाने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए नहीं, यहाँ पे रूफी लगेगा गाइस, ठीक है ना। तो जल्दी से लगा देते हैं, ओके बहुत हार्ड। तो अभी अरे क्यों कहाँ भगा रहे, अच्छा ये रास्ता अंदर आने के लिए, अच्छी बात है। तो यहाँ पे डोर लगा दो, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, गजब। तो गाइस यार बेस का समझ तो आपको बहुत कम आएगा, क्योंकि यार ये ब्लू प्रिंट से बन गया है यार, तो क्या करें यार अब। कोई बात नहीं, अगर आपको ये बेस का डिज़ाइन चाहिए होगा ना पूरा डिटेल में, तो गाइस अभी थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ चुका होगा, जो खेलने वाले बंदे हैं ना भाई उनको तो मालूम होगा ना कि क्या क्या किया है यहाँ पे, ठीक है ना। और जिसको अभी जो नए प्लेयर हैं उनको नहीं समझ आएगा, ठीक है ना। तो उनके लिए गाइस अगर आपको चाहिए होगा ये वाला बेस का डिज़ाइन, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए लेके आ जाऊँगा यार पूरा डिटेल में, तो बेस डिज़ाइन बना देंगे यार, ठीक है ओके। तो अभी क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, अच्छा और ऊपर जाना है भाई, वाह भाई क्या बात है, मतलब कि कुछ नया करने वाला है यार अब ओके। तो ये जो अपने साथ प्लेयर है ना जिसका नाम टैलेंट है, तो ये पिछले सर्वर में भी था अपने साथ, उसमें सोलिड नाम था। तो गाइस उसकी आईडी वो वाली जो थी ना, वो उसके टाइम कंप्लीट हो चुका था, इसलिए ये न्यू आईडी से आ चुका है। तो गाइस यार ये काफ़ी अच्छा खेलता है यार, क्या बताएं, काफ़ी मतलब कि काफ़ी भयंकर तरीके से खेलता है, फ्री फायर भी बहुत अच्छी खेलता है, इसने मुझे बताया कि फ्री फायर में आओ, तो मैंने फ्री फायर का भी एक पार्ट डाला है, तो आपने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया उसमें मुझे, उसके मैंने देख लिया काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आपने देखा नहीं उस वीडियो को, सिर्फ मुझे व्यूज़ ही आए हैं पर वॉच टाइम नहीं आया है, मैंने चेक किया उसको। तो गाइस वीडियो जब भी देखते हो पूरा देखा करो, क्योंकि स्टार्टिंग में देख के जज मत किया करो कि स्टार्टिंग में भाई ये ऐसे ही है, बोट आ गए, बोट को मार रहा है ये, फलाना गमाना बहुत कुछ बोल रहे थे भाई, तो ऐसा मत किया करो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बंदा बोट ही होता है, नू भी होता है, तो जब वो खेलता है आगे आगे तो उसको वो धीरे धीरे सीख जाता है खेलना, ठीक है ना ओके। तो गाइस जल्दी से भाई काफ़ी ज़्यादा भयंकर बन चुका है, आप देख सकते हो बेस। तो अभी क्या करना है, ओके तो यहाँ से ऊपर से इसको बंद करना है ओके। तो गाइस ये हो चुका है यहाँ से फाइट करने वाला एरिया अपना ऊपर से, तो वाह भाई क्या बात है यार, मज़ा आ जाएगा इस बार, तो ये बेस पिछले बेस से अच्छा लग रहा है मुझे ज़्यादा। तो देखते हैं ज़रा जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो कैसा लगेगा, काफ़ी भयंकर हो जाएगा यार ओके। तो जल्दी से लगा देते हैं ऊपर सीलिंग, बहुत सही। गजब यार,
तो सीलिंग वगैरह लगा के हम रेडी कर चुके हैं सारी की सारी ऊपर से। और गाइस अभी चलते हैं नीचे और देखते हैं, अभी ये डोर लगा रहा है इसको लगाने दो अंदर, ऊपर से अंदर से बंद कर रहा है पूरा। ओ भाई क्या बात है यार, काफ़ी प्यारा बेस बन चुका है यार, आप देख सकते हो। वाह भाई क्या बात है यार, अगर अपग्रेड हो गया ना ये पूरा का पूरा तो मज़ा आ जाएगा यार। मुझे एक चीज़ मिस लग रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कोई सीढ़ी लगा के ऊपर जा सकता है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। बहुत सही गजब। तो गाइस ये भी हो चुका है अभी कंप्लीट, अभी नहीं हुआ पूरा कंप्लीट अभी। गाइस मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ यहाँ पे, क्यों ना भाई अभी लगा रहे हैं तो इसको लगा ही देते हैं। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे गाइस हम जब वो शॉटगन ट्रैप मिलते हैं ना तो वो लगाएंगे बाहर पूरे के पूरे गोल चक्कर, भाई मज़ा आ जाएगा यार। अरे यहाँ पे छोटा वाला नहीं लग रहा है यार, यहाँ पे कोई ग्लिच हो रहा है यहाँ पे लग रहा है, पर यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी धरती जो है ना, धरती वो ऊंची है यार, ठीक है धरती ऊंची है तो इसलिए नहीं लग रहा है। चलो भाई बड़े वाले लगा दो यहाँ तक, आगे मत लगाना मैं बता रहा हूँ, आगे मत लगाना, आगे मत लगाना ब्रो, नहीं रुक जा अरे रुक जा ब्रो, आगे छोटे वाले लगाएंगे इधर नीचे, क्योंकि यहाँ ऊपर भाई इतने ऊंचे नहीं लगते हैं यार, मज़ा नहीं आएगा। वोट दे दे, हाँ दे दिया भाई, समझ गया, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ये अपना, बहुत सही। तो अभी यहाँ पे गाइस मज़ा आ जाएगा यार जब हम इसको पूरा कवर करेंगे ना शॉटगन ट्रैप लगा के, शॉटगन लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे पर लगाएंगे ज़रूर, बहुत सही। तो गाइस अपना बेस हो चुका है रेडी, आप देख सकते हो यार काफ़ी आलिशान और काफ़ी भयंकर लग रहा है यार, वाह भाई। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बेस में खेलने का। तो गाइस अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना, अंदर से थोड़ा सा रह चुका है तो वो भी कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अभी काफ़ी टाइम हो चुका है तो रूम दोबारा से फुल हो चुके होंगे मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्यों ना यार रूम कर दिए जाएं फुल। तो इसको यार यहाँ से कर देते हैं बंद, क्योंकि ये थोड़ा सा रह चुका था यार, गज़ब नाइस। तो अपना बेस हो चुका है पूरा का पूरा रेडी गाइस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो गाइस अभी हम जल्दी से चलते हैं रूम करने के लिए, और गाइस रूम करना बहुत ही ज़रूरी है यार, तो अपने पास वाला एरिया ही जाता है क्योंकि पहले रूम किया था काफ़ी टाइम हो चुका है, तो घंटे के एक घंटे के बाद आ जाता है यार ये ग्रीन रूम, तो एक दो घंटे के बाद। तो ये फुल पड़ा है भाई, फुल नहीं है, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें गन मिलती है वो वाली पेटी नहीं है, कोई बात नहीं वो भी आ जाएगी जब दोबारा से आएंगे। तो अभी हम जल्दी से ये रूम कर लेते हैं खाली, बहुत सही। तो जो जो मेन लूट चाहिए होती है ना वही उठाऊंगा यार, ये तो चाहिए चाहिए यार अभी। गजब, तो ये वाला रूम हो चुका है। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ पे दूसरा रूम है, तो दूसरे रूम की ओर चलते हैं, मज़ा आ जाएगा यार। भाई साहब अपना बंदा तो भाई मार रहा है ज़ोंबियों को, तो अभी हम चलते हैं फटाक से दूसरे रूम की ओर, आ जाओ ब्रो चलो चलते हैं। ये क्या खा रहा है वहाँ पे बैठ के यार अरे यार ये पता नहीं क्या खाते रहते हैं, अगर घास पे होंगे तो घास में चरते रहते हैं भाई। ओके तो ये वाला रूम भी देख लेते हैं यार, चेक कर लेते हैं ये वाला रूम भी होगा। हाँ भाई फुल पड़े, चलो गाइस जल्दी से कर लेते हैं ये वाला रूम। ओके तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी पड़ा है, ग्रीन ब्लू ब्लू कार्ड पड़ा है, तो ये भी हमें मिल चुका है गाइस, क्या बताएं मज़ा आ गया यार। SMG भी मिल चुकी है, SMG तो बहुत ज़्यादा हो गई अपने पास, तो भाई गजब। ओके तो ये भी अपने पास पूरा का पूरा सामान हो चुका है रेडी। और गाइस अभी यहाँ पे एक ब्लू रूम है, तो चलते हैं ब्लू रूम भी करने यार, वो भी आ चुका होगा फुल, देख लेते हैं चेक कर लेते हैं उसको। चलो ब्रो
गजब। सामने बंदा है, अरे सामने बंदा है ब्रो, अरे रुक जा। अरे यार मेरा एम नहीं यार, भाई भाई पता नहीं क्या ग्लिच है इस मैप में, मुझे भाई मतलब कि एम लगता ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों नहीं लगता है, मुझे नहीं समझ आता है। मतलब कि यार होता है ना, जैसे एम लगाओ बंदे पे, जहाँ पे बंदा भाग रहा है वहाँ पे एम जाता है, पर इसमें एम जाता ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों यार। मेरी लूट गिर गई काफ़ी भयंकर। चलो अपने अपने फ्रेंड ने उसको मार दिया, वो मुझे बता रहा है मैंने उसको मार दिए, तो अपनी लूट अपने पास है गाइस। यार क्या बताएं, मज़ा आ गया। तो अभी यहाँ पे ब्लू रूम बचा हुआ है, तो गाइस जल्दी से ब्लू रूम करने भी आ चुका हूँ मैं। और अपने फ्रेंड बोल रहा है गाइस यार सब कुछ मिल चुका है, बहुत अच्छी बात हो गई यार। ओके, पर उसकी फार्मस नहीं गिरी यार, फार्मस से मारा था इसीलिए गाइस नॉक हो गया। तो अगर SMG से होता क्या मालूम, पर एम ही नहीं लग रहा यार, ये मैप में पता नहीं क्या दिक्कत है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही। चलो गाइस ब्लू रूम भी पूरा का पूरा फुल है, इसको भी जल्दी से हम कर लेते हैं यार, मज़ा आ जाएगा। वाह भाई शॉटगन मिली है सिंगल बैरल, तो ये अच्छी बात नहीं है। ओके बहुत सही। तो गाइस ये रूम भी हो चुका है पूरा का पूरा कर दिए। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है वो आपको आगे देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस जिसको अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके हर रोज़ लेके आता हूँ। और गाइस फ्री फायर का भी वीडियो आ जाएगा यार, वो भी डालूंगा, तो डालेंगे वो भी डालेंगे, खेलेंगे मज़ा आएगा उसमें भी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उसको भी वाइब कंटिन्यूज़ करेंगे। तो गाइस आज का पार्ट हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो आज के लिए गाइस इतना ही, तो बाय बाय।